हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस अभी हूँ मैं अपने बाड़ी में और तोड़ रहा हूँ मक्का, क्योंकि क्या है ना, ये देखिए ये जो मक्का सूख गया है ना, ये सब मक्का सूख चुका है, तो ये सब को अब तोड़ के मैं रख रहा हूँ, ये देखिए। क्योंकि क्या है ना कि इस बाड़ी को अब साफ करके इसमें सब्जी वगैरह आलू वगैरह लगाना है इसमें, तो इसीलिए अब इस बाड़ी का सफाई हो रहा है। तो सारा मक्का तोड़ करके अब मैं घर में लेकर के जा रहा हूँ, ये देखिए। तो गाइस बाड़ी को आधा साफ कर लिया मैं, और साफ करने के बाद ना अपना हाथ धो करके मैं थोड़ा सा अपने पिताजी के लिए चावल बना रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल चावल नहीं खाते हैं ना, स्टीम राइस खाते हैं। तो ये रहा, उनके लिए चावल बनाने जा रहा हूँ मैं। ये देखो आग जला करके चढ़ा दिया हूँ, और महारानी साहिबा इधर बैठी हुई है। मैं बोल रही हूँ बेटू को गोदी कीजिए, मैं बनाती हूँ, तो आप ना जिद कर रहे हैं। नहीं तो चलिए गाइस, सब क्या है ना, और क्या एक खास बात और है कि हमारे घर में ना कोई भी नहीं है। हम लोग दोनों मियाँ बीवी हैं और मेरे पिताजी हैं, बाकी सभी लोग मामा के घर चले गए हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, आज है हमारे गांव का बाजार, और इस साल हम लोग दुर्गा पूजा देखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है। मैं हूँ घर में, मेरी वाइफ है और मेरे पिताजी हैं, और हमारा बेटू अभी बहुत छोटा है ना, तो जब तक 6 महीने का नहीं होता है और जब तक बच्चे को खाना नहीं खिला लेते हैं ना, तब तक क्या है कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा हमारे पूर्वज लोग चलाते हुए आए हैं, कुछ रूल्स है। तो इसीलिए इस साल हम लोग नहीं जा रहे हैं, और मेरी वाइफ नहीं जाएगी, तो मैं क्या अकेले घूम सकता हूँ यहाँ, तो इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। चलिए जा रहा हूँ मैं बाजार, चिकन लाऊंगा और एकदम मस्त बना के खाएंगे घर में। क्यों गलत बोल रहा हूँ? नहीं चले तो मेरे बेटी चिकन खाएगा, है ना? चलो तो ठीक है गाइस, मैं जा रहा हूँ जल्दी आइएगा। जल्दी क्या आऊँगा, लेट में आऊँगा। सुनिए सब्जी वगैरह अपने साथ से देख के लाइएगा। हाँ लौकी। तो अभी मैं मसाला पीस रहा हूँ, बाजार से आगे वापस मैं मसाला पीस रहा हूँ मुर्गा के लिए, और मेरे हाथ में सौंफ लग गया है, चीज पीस रहा हूँ। तो आपको मैं मना की ना पीसने के लिए? चलो कटोरी देखिए आप, बटाट हो गए। ये देखिए गाइस इधर चिकन पक रहा है, ये आधा किलो चिकन है, क्योंकि हम लोग बस 3 लोग हैं घर में इसीलिए। तो चलिए मैं कटोरी लेकर के आती हूँ आपके लिए ना। ये लीजिए। तो गाइस आज मैं बनाऊंगा बहुत ही टेस्टी वाला मुर्गा, मतलब आज बहुत टेस्टी वाला मैं चिकन बनाऊंगा, क्योंकि क्या है थोड़ा सा बनाना है, इसीलिए एकदम स्पेशल बनाऊंगा। ये देखो मेरे पीछे बन रहा है, और इधर बन रहा है मुर्गा, और पिताजी के लिए इधर बनेगा मछली। गाइस ये देखो इधर मछली बनेगा। मेरे पिताजी ना चिकन नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए भी मछली बनेगा। पिताजी के लिए मछली और हमारे लिए चिकन, क्या हुआ मेला देखने नहीं गए? कोई बात नहीं, तुमको बुरा लग रहा है क्या यार? नहीं इसको बुरा लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा। इसको बुरा लग रहा है कि हम लोग इस बार दुर्गा पूजा देखने नहीं जा पाए? कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना हम लोग। हाँ नेक्स्ट ईयर जाएंगे। तो ये देखिए गाइस अब इसमें डलाएगा पेस्ट, ये रहा लहसुन प्याज और अदरक और मिर्ची का पेस्ट। अब इसमें ये डाल दिया मैं, ऐसा कुछ पानी डालते हैं पानी ज़्यादा। मुर्गा हो गया थोड़ा सा मसाला हो गया ज़्यादा ऐसा लग रहा है, ग्रेवी तभी ना बनेगा।
ये देखो इधर चल, इधर मछली तला रहा है बीटा जी के लिए। इसमें हल्दी और नमक डाल करके, हल्दी नमक इसको क्या, मैं हल्दी डालूंगी, हल्का सा ये मसाला डालूंगी और हल्का सा मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर ये। इसके बाद इसको मैश करके अच्छे से मिक्स करेंगे, क्या ही बताऊं गाइस, आग में खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, और हम लोग बनाते हैं डेली तो इसका क्या? अरे तो तुम लोग का तो आदत हो गया है यार, हम लोग का क्या है ना। अच्छा, साथ में बना रहे तो मज़ा नहीं आ रही क्या? आ रहे ना, अब चिकन बना रहे हैं। साथ में बनाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन क्या है ना गाइस, देख रहे हो, ये देखो मेरे पसीना, देख रहे हो पसीना, देख रहे हो पसीना, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ। हम लोग अरे देख रहे, इसे पूरा भुना गया है अच्छे तरीके से, एकदम रेडी हो गया है, बस इसमें पानी डाल के पकाने की देरी है। इसमें पानी डालो, पानी डालो, और इधर मछली भी तला गया। अरे नहीं यार, हो गया अगर भुने के, चलो तब भून के पानी डाल देना, मैं जा रहा हूँ ना। कैसे यार, कैमरे में दिख रहा है, और इधर ये भी होने ही वाला है। बनाने में कितना दिक्कत, मुझे तो नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग मेहनत करोगे तब तो पसीना आएगा। अच्छा यार, तो हम लोग क्या करते हैं डेली यहाँ पे, हराम का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ देख, देखो पसीना दिखा रहा, जाइए बेटी को खिलाते रहिए, डालते रहिए, दिखा। तो चलिए बन गया है, थोड़ी देर में हो जाएगा पूरे कम्प्लीट, और मैं आता हूँ फ्रेश होकर के, थोड़ा सा हाथ पैर धो करके, इसके बाद खाना खाऊंगा। ये देखो पीलू एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा है मुर्गा खाने के लिए। बाबू नहीं है तो खाना पीना नहीं खा रहा है, छोड़ दिया है खाना पीना, नाराज हो गया है। लेकिन आज खाएगा क्योंकि मुर्गा बन रहा है, तो दबा के खाएगा वो भी। तो गाइस खाना पूरा बन करके रेडी हो गया है, और बेटू के साथ ये देखो बेटू खेल रहा है, बेटू को खिला रहा हूँ, और मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लेकर के आ रही है। ये देखो खाना लेकर आ गई। तो चलिए गाइस अब मैं खाना खा लेता हूँ। पहले सो टेस्टी, देखो मैं आपके लिए रोटी भी बनाई हूँ। फाइनली अब मैं खाना खा रहा हूँ गाइस, सुशु बन गया है। मैं बनाया हूँ तो टेस्टी तो लगेगा। हाँ, आप ही बनाया है सारा, है ना। रोटी के साथ चिकन ज्यादा अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है। तो गाइस खाना वाना खा लिए हम लोग, अब रात का बज रहा है 8, और अभी बेटू का सिकाई कर रहे हैं। रोता है नहीं, नहीं रोते हैं बेटू, नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं। और ये देखो गाइस बेटू के पेट का सिकाई हो रहा है, उसकी मम्मी सिकाई कर रही है इसके पेट का, और इसको सिकाई करते टाइम ना एक सॉन्ग सुनाना पड़ता है, नहीं तो नहीं भैया नहीं सीख पाता है। ये देखो इसको एक सॉन्ग सुना रहा हूँ इधर से, शिव तांडव, शिव एंथम, तब से पा रहा है जा कर के। बहुत बदमाश हो जा रहे हैं भाई, अभी बहुत ज़्यादा बदमाश, इसको अकेले नहीं छोड़, इसको अकेले छोड़ ही नहीं सकते हम लोग, इतना बदमाश हो गया है।